हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश कहर बनकर बरस रही है बुधवार रात प्रदेश के पांच ज़िलों में बारिश हुई जो काल बन चुकी है बता दें राज्य में बादल फटने से तिरपन लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनमें से पांच लोगों की मौत हो चुकी है जबकि सैंतालीस लोगों की तलाश अब भी जारी है इन पांच जिलों में मंडी शिमला कुल्लू चंबा और लाहौल सिप्ती का नाम शामिल है यहाँ बादल फटने से भयंकर तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है शिमला के रामपुर में झाकड़ी के आगे समेज गांव का तो नामो निशान मिट गया इस गांव में कुल 36 लोग लापता बताए जा रहे हैं यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म कर अब सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है दरअसल समेज गांव में साथ लगते नाले में सैलाब आने से आधी रात को गांव के निन्यानवे प्रतिशत घर पानी में बह गए और केवल तीन से चार घर ही गांव में अब बचे हैं यहां पर सैलाब एक पीएचसी यानी प्राइमरी हेल्थ सेंटर स्कूल और गौशालाओं को अपने साथ बहाकर ले गया लापता हुए लोगों में 18 महिलाएं, सात बच्चे समेत 36 लोग शामिल हैं। इनमें चार लोग झारखंड के रहने वाले बताए जा रहे हैं दूसरी तरफ मंडी के पघर के रामबन गांव में भी दो परिवारों पर आफत बरसी है यहां पर भी ग्यारह लोग सैलाब की चपेट में आ गए अब आठ लोगों की तलाश जारी है बता दे तीन लोगों के शव मिल चुके हैं कुल्लू के आने के निर्माण के बागीपुल में सैलाब एक ही परिवार के पांच सदस्यों के अलावा दो नेपालियों को भी बहाकर ले गया यहां पर परिवार के मुखिया का शव मिल चुका है वहीं दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के मंडी में भारी बारिश के बाद एक पावर प्रोजेक्ट के गेट खोल दिए गए बता दें बुधवार रात हुई भारी बारिश के बाद कुल्लू और मंडी में नदियां उफान पर हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है इसी बीच डैम का पानी छोड़ा गया है क्योंकि ब्यास नदी के उफान में आने से पानी का जल स्तर बढ़ गया था पानी भरने से डैम को कोई खतरा ना हो इसके लिए गेट खोल दिए गए ये वीडियो मंडी के पंडो क्षेत्र का है पानी की छोड़ने से पहले लोगों को सचेत कर दिया गया था और लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील भी की गई थी इससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ है बता दे प्रदेश के लगभग हिस्सों से यही नज़ारे सामने आ रहे हैं हर तरफ पानी ही पानी देखने को मिल रहा है बारिश के कारण बादल फटने और लैंड की आफत अब लोगों की जान पर बरस रही है